सोमादे रसोई विथ सोनिया में आप सभी का स्वागत है आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी आज की जो रेसिपी है वो गर्मियों के लिए बहुत ही खास है गर्मियों में आपने कच्चे आम का सेवन तो बहुत बार किया होगा कच्चे आम से चटनी भी बनती है कच्चे आम का अचार भी डलता है लेकिन क्या आपने गर्मियों में कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिया है अगर नहीं पिया तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आम पन्ना पीने के और क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं आम का पन्ना बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो मैंने यहाँ पर तीन कच्चे आम ले लिए हैं और ये बिल्कुल ताज़ा हैं कच्चे आम लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से धो दो लेंगे धोने के बाद इसे एक साफ कपड़े से सुखा लेंगे अब कच्चे आम के हम छिलके उतारेंगे इस तरह से बिल्कुल पतला सा हमने छिलका उतारना है इसका इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे क्योंकि कच्चे आम होते हैं तो इसका छिलका उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है छिलके उतारने के बाद अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे और इसके बीच में ये जो गुठली होती है ये हमने इसमें नहीं डालनी इसे हम अलग से साइड पे रख लेंगे चलिए बाकी की बचे हुए कच्चे आम को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे ये लीजिए कच्चे आम हमने काट लिए हैं अब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पर भारी तले का बर्तन रखेंगे और ये जो कच्चे आम हमने काटे हैं सारे इसमें हम डाल देंगे अभी के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे दो बड़े गिलास पानी के इस तरह से पानी आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेंगे अब इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे तो चलिए जब तक इसमें एक बॉयल आता है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं और मसाला बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी दो बड़े चम्मच जीरा के दो बड़े चम्मच सौंफ के दो बड़े चम्मच पिसी हुई काली मिर्च के अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो आप उसे एक बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं और दो बड़े चम्मच पिसा हुआ काला नमक लेकर इन सबको हम इस तरह से मिक्सी में पीस लेंगे ये देखिए एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है आप इस मसाले को बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आप शिकंजी बनाएं उसमें आप ये दो चम्मच मिलाकर शिकंजी बना सकते हैं तो चलिए अब ये सारा पिसा हुआ मसाला हम इस पैन के अंदर डाल देंगे ये देखिए ये जो मसाला हमने बनाया है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और अब हमने इसके अंदर डाल दिया है एक बड़ा चम्मच चाट मसाला का और इसके अंदर हम डालेंगे एक से डेढ़ कप चीनी का अगर आप इसे गुड़ के साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं शक्कर भी डाल सकते हैं वो चॉइस आपकी है चलिए अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जो हमने मसाले इसमें डाले हैं इन सब का फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए अब गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर का फ़ूड कलर भी ऐड किया है अगर आपके पास ग्रीन कलर का फ़ूड कलर है तो आप इसे ज़रूर डालें और अगर नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं तो अब हमने इसे पाँच से सात मिनट के लिए बॉयल होने देना है तो चलिए जब तक ये बॉयल हो रहा है मैं आपको आम पन्ना पीने के जो फ़ायदे हैं वो बताती हूँ देखिए आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे में आपको अपना और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप आम पन्ना बनाकर रोज़ एक गिलास पीते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ देखिए अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो लू का भी आपको सामना करना पड़ता है तेज़ हवाओं का भी सामना करना पड़ता है तो ऐसे में अगर आप आम पन्ना रोज़ एक गिलास पीते हैं तो ये आपको हीट वेव से बचाता है हीट स्ट्रोक से बचाता है आपके पेट की गर्मी को भी ये शांत करता है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है आपके पाचन को भी ये ठीक रखता है आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है ये आम पन्ना आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देता और ये गर्मियों में लू से बचाता है एसिडिटी से भी बचाता है और ये स्वाद में तो अच्छा है ही तो देखा आपने आम पन्ना एक है लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं और देखिए बातों ही बातों में इसमें एक बढ़िया सा बॉयल आ गया है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है अब मैं इसे एक मिक्सी के जार में इस तरह से डाल दूंगी जार में डालने के बाद जार का ढक्कन लगाकर इसे एक से दो बार हम चला लेंगे और ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से आम पन्ना बनकर तैयार है अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से डाल लेंगे आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं अब इसे पीना किस इस तरह से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ चलिए आम पन्ना तो हमने बना लिया अब इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए हम थोड़ा सा मसाला बना लेंगे मसाला बनाना बहुत ही सिंपल है मैंने यहाँ पर एक चम्मच नमक लिया है एक चम्मच लाल मिर्च को लिया है और इनको इस तरह से मिक्स कर दिया है अब एक ग्लास लेंगे जिसमें भी आपने आम पन्ना बनाना है और ग्लास के ऊपर किनारे पे हम थोड़ा सा नींबू इस तरह से लगा देंगे और ग्लास को उल्टा करके ये जो मसाला हमने बनाया है इस पर इस तरह से थोड़ा सा ग्लास घुमा लेंगे तो ये मसाला ग्लास पर लग जाएगा इस तरह से आम पन्ना जब आप बनाकर सर्व करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है चलिए अब इसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे और तीन से चार बड़े चम्मच आम पन्ना अभी जो हमने बनाया है इसमें डालेंगे और बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डालकर इसे हम बनाएंगे तभी इसका स्वाद आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये देखिए गर्मियों में आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं आपको ये बहुत अच्छी लगेगी झटपट से बन जाती है ज़्यादा झंझट का काम भी नहीं है एक बार बनाकर इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं अब इसे एक चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ये देखिए बढ़िया सा आम पन्ना बनकर तैयार हो गया है अब इसे आप इस तरह से एक नींबू का स्लाइस लगाकर थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं स्टॉल लगा सकते हैं तो देखिए आम पन्ना बनकर तैयार है आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करना ना भूलें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग